यमला पगला दीवाना फिर से। यमला पगला दीवाना इंडियन बॉक्स ऑफिस में दोस्तों 31st ऑफ अगस्त को रिलीज होती है। उसके बाद फिल्म को मिक्स्ड रिस्पांस मिलता है, जहां एक तरफ के दर्शक जो हैं वो देओल फैमिली पर अपना दिल न्योछावर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों ने नकार दी है फिल्म। ऐसे में तीसरे दिन यानी कि संडे का प्रेडिक्शन मायने रखता है और संडे को जंप मारी है फिल्म ने। जी हाँ, जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स आई हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि फिल्म जो है ठंडा प्रदर्शन कर रही थी बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले ही दिन से। चलिए बात करता हूं इस वीडियो रिपोर्ट में कि अपने तीसरे दिन क्या है ऑक्यूपेंसी और किस तरीके से फिल्म जो है अच्छा बिजनेस कर सकती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि संडे का फायदा पहुंचता है देओल फैमिली की इस फिल्म को, और दर्शकों की जो ऑक्यूपेंसी रेट्स आती हैं, जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स आती हैं, वो 25 से लेकर 35% की देखी गई है। हाँ हाँ, थोड़ी सी कम है, बट लेकिन दोस्तों ठीक है, अब संडे को मतलब दर्शक जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस हिसाब से ठीक है। चलिए, ये तो रही ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। वहीं बात करूं अगर टिकट्स की यानी कि टिकट दरों की, तो वो डेफिनेटली उछाल में है। अगर आप पेटीएम चेक करते हैं, अगर आप बुक माई शो में चेक करते हैं, तो जो टिकट रेट्स थे वो 250 ले लीजिए, 320, 350 इस तरीके के हैं अलग अलग जगह पे। वहीं सिंगल स्क्रीन में 100 रुपए, 150 रुपए इस तरीके के हैं। तो ऐसे में दोस्तों टोटल मिला के जो बिजनेस करेगी फिल्म अपने तीसरे दिन, वो लगभग 3 करोड़ की करेगी। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 करोड़ फिल्म आराम से बिजनेस करेगी अपने तीसरे दिन, और उम्मीद की जा रही है कि ये संडे फिल्म के लिए बेहतर साबित होगा, और क्योंकि मंडे से आई गेस डिक्लाइन ही होगा फिल्म को। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड थिंक पॉजिटिव, क्योंकि ये देओल फैमिली की फिल्म है जिन्होंने सदियों से बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरा है। आपको क्या है कहना दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका क्या है प्रिडिक्शन, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शंस बातों के लिए मैं राहुल भोज आऊंगा आपके सामने हमेशा। बाय बाय।